हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट ट्यूटोरियल एकेडमी। आप यहां पे नया टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, जो कि हमने इसके पहले लेक्चर ले चुके हैं। तीन लेक्चर इसके पहले हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो इसके ये चौथा लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप यहाँ पर सीखेंगे 8.3 NCERT की एक्सरसाइज है, वो आप यहाँ पर सीखेंगे। उसके बारे में आप स्टडी करेंगे कि 8.3 में किस तरह के क्वेश्चन करना है, क्या क्या उसमें आपको स्टडी करना है, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। देखिए तो मैं क्या बता, तो आपको मैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट फार्मूला बता देता हूँ जो कि मैं यूज करूंगा। देखिए फार्मूले क्या होते हैं, यहाँ पे यूज करना है कुछ चीजें हमें, कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कोई आपको गिवन होगी, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। पहली चीज, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगी, कॉस थीटा, ध्यान रखना है आपको, बहुत यूज करूंगा मैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। दूसरी वैल्यू देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के, और साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के। इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा के। ऑर्डर मैंने आपको जो बताया था वैसे ही ध्यान रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इस तरह से ही आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने बताया कि टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। और इसके बाद आ जाओ कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा के। कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा के। और वैल्यू ले लीजिए, इसके बाद sec 90 माइनस थीटा ले लीजिए, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cosec थीटा के। ये होता है cosec थीटा के, मतलब sec 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cosec थीटा के। फिर cosec 90 माइनस थीटा बचा है, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा के, उल्टा है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के इक्वल होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल होता है, और sec cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के इक्वल होता है, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के इक्वल होता है, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के इक्वल होता है। अब ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे 8.3 जो हमारी एक्सरसाइज है, 8.3 एक्सरसाइज में हम पूरा यूज करेंगे इसको। देखिए हम कैसे इसको यूज करते हैं, तो आपको बताते हैं कि सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन दिया है कि साइन फाइंड द वैल्यू ऑफ एवेल्यूट साइन 18 अपॉन कॉस 72। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपको जो गिवन है आपको वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है कि साइन 18 अपॉन कॉस 72, इसकी वैल्यू को फाइंड करनी है। साइन 18 अपॉन कॉस 72, साइन 18 अपॉन कॉस 72 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या तो आप नॉमिनेटर को चेंज कर दीजिए या आप डिनोमिनेटर को चेंज कर दीजिए, कोई एक वैल्यू को आपको चेंज करना है, या तो नॉमिनेटर को या फिर डिनोमिनेटर को। तो अब देखिए मैं इसको साइन 18 को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 72, 90 में से 72 को माइनस करोगे तो 18 ही बचेगा, मतलब ये साइन 18 ही लिखा है। साइन 90 माइनस 78 मतलब क्या है, साइन 18 लिखा है, साइन 72, साइन 90 माइनस 72 कितना हुआ, साइन 18 लिखा, और अकाउंट में जो वैल्यू चल रही है इसको लिख दीजिए कॉस 72, इसको चेंज नहीं करना। या तो आप न्यूमरेटर को चेंज कर दीजिए या डिनोमिनेटर को, दोनों को नहीं करना है चेंज, किसी एक को आपको चेंज करना है, या तो न्यूमरेटर को या फिर डिनोमिनेटर को, दोनों को चेंज करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। तो देखिए मैंने अब हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। तो यहां लिख देंगे आप कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा के। तो मैं यहाँ यूज कर ले रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 72 है, तो साइन 90 माइनस 72 ये हमारी ये थीटा है, ये थीटा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है 72, कॉस 72, और अपन वैल्यू चल जाएगी कॉस 72, कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल, वन आंसर हो गया, आंसर आ गया वन, कितना आ गया वन आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है एक तो ये डिवाइड वाला हो गया, एक कॉस 48 माइनस साइन 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 48 माइनस साइन 42, इसको हमें सॉल्व करना है, कॉस 48 माइनस साइन 42, हाँ इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, किसी एक को चेंज कर दीजिए,
या तो पहले वैल्यू को या सेकंड वैल्यू को, दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर देंगे तो वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, तो क्वेश्चन अपना जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, cos 48 या sin 42 को चेंज कर दो, किसी एक को आप चेंज कर दीजिए। किसको चेंज कर दूं, देखिए मैं कर देता हूं पहली वैल्यू को, मैंने लिख दिया cos 48 को लिख दिया 90 - 42, 90 में से 42 को माइनस करोगे तो 48 ही आएगा, और दूसरी वैल्यू चल रही है माइनस के साइन 42, इसको चलने देते हैं। और अभी अपन ने पढ़ा था कि cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, तो cos 90 माइनस थीटा अपन ने पढ़ा था साइन थीटा के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है साइन थीटा। तो आप लिख दीजिए cos 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या कह मैंने 42, तो जो हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42 इक्वल टू हो गया 0, आंसर हो गया साइन 42 माइनस साइन 42, क्या हो गया आंसर 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फिर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहा है कि सो दैट 1048 × 1023 × 1042 × 1067 = 1, मतलब आपको LHS लेके चलना है और RHS प्रूव करना है, LHS आपको लेके चलना है और RHS आपको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, क्या करना, 1048 लिखा, किसी एक मतलब कोई भी एक एक टर्म को चेंज कर दो, ये चार है, चार में से दो वैल्यू को चेंज कर दो, कोई भी दो वैल्यू को, तो बाकी अपने आप पड़ जाएंगे वैल्यू, कोई भी दो वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए। तो मैं स्टार्टिंग की दो वैल्यू को चेंज करता हूँ, 1048 लिखा तो 1048 को मैं लिख दे रहा हूँ, 1048 को लिख दे रहा हूँ, देखिए 1090 - 42, 1048 को लिख दिया 1090 - 42, 1048 को लिख दिया 1090 - 42 लिख दिया, कोई दिक्कत। इसके बाद फिर सेकंड वैल्यू देखेंगे अगर आप, तो 1023 को लिख सकते हैं हम, 1023 को लिख सकते हैं 90 - 67, बाकी जो दो वैल्यू हैं वो सेम रहने देते हैं, इनटू में चल रहा है 1042 × 1067, LHS लिया था आपने, LHS लेफ्ट हैंड साइड LHS आपने लिया था 1048 को लिख दिया 1090 - 42, 1023 को लिख दिया 1090 - 67, बाकी दोनों वैल्यू को सेव रख दिया, या तो आप इन दोनों वैल्यू को चेंज कर दीजिए या फिर इन दोनों को चेंज कर दीजिए, चारों को नहीं करना, नहीं तो कटेगा नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो फिर आप देखेंगे इसको, देखिए कैसे करते हैं, 1090 - थीटा अपन ने पढ़ा था, 1090 - थीटा जो होता वो cot थीटा होता, तो cot 42 हो गया, दूसरा 1090 - 67 जो हो जाएगा cot 67 हो गया, बाकी वैल्यू है 1042 × 1067। और अपन जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू होता 1/10 थीटा, अपने रिलेशन पढ़ा है कि cot थीटा इक्वल टू होता है 1/10 थीटा या 10 θ = 1/cot θ, दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, मतलब 10 θ और cot θ क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, 10 θ और cot θ एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखो cot 42 को लिख सकते हैं 1/10 42, 1/10 42 लिख दिया, इंटू 1/cot 67 लिख सकते 1067 लिख दिया, और इंटू चल रहा वैल्यू ये 1042 चल रहा है और ये 1067 चल रहा है, 1067 से 1067, 1042 से 42 = 1, 1 अपना आंसर हो गया। तो इस तरह से आंसर कैलकुलेट हो सकता है, आंसर क्या आएगा 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फिर देखिए मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इफ 10 2a = cot a - 18, इफ 10 2a = cot a - 18, 10 2a की वैल्यू अगर cot a माइनस 18 है तो, और 2a जो एंगल है यहाँ पर वो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब जो 90 डिग्री से कम हो, जिसका सम 90 डिग्री से कम हो उसको आप क्या बोल देते हैं एक्यूट एंगल, तो 2a एक्यूट एंगल है, तो आपसे पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a, देन यो आप किसी एक वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए, या तो आप 10 को cot के फॉर्म में लिख दीजिए या फिर इसको लिख दीजिए cot को 10 के फॉर्म में लिख दीजिए। तो अपन ने पढ़ा हुआ है, अपन जानते हैं कि 10 90 - θ इक्वल टू होता है cot थीटा, ये भी पढ़ा है, या ऐसे लिख लो cot 90 - θ इक्वल टू होता है 10 θ, किसी भी एक को चेंज कर दीजिए, LHS और RHS में से किसी एक वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए, 10 को या तो 10 को cot के टर्म में लिख दीजिए या cot को 10 के टर्म में लिख दीजिए, दोनों को नहीं करना है चेंज, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर 10 2a को लिख देता हूँ, 10 2a को लिख दे रहा हूँ मैं cot 90 - 2a, क्योंकि cot 90 - θ 10 θ ही होता है, cot 90 - θ यहाँ पे 2a है, थीटा क्या है 2a, तो cot 90 - θ क्या होता है 10 θ, ये पढ़ा cot 90 - θ इक्वल टू 10 θ, ये होता है, तो यहाँ पे cot 90 - 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा
टेन टू ए यही होगा, और इक्वल टू जो वैल्यू चल रही है cot, दूसरी जो वैल्यू आपकी चल रही है cot a माइनस 18, ये वैल्यू चल रही है आपकी, cot से cot कैंसिल हो गया, वैल्यू बची 90 माइनस 2a इक्वल टू बचा a माइनस 18। अब यहाँ पर a को यहाँ भेज दीजिए, तो ये 90 माइनस 18 LHS में आके प्लस के हो जाएंगे और 2a यहाँ पे आके प्लस के हो जाएंगे, और a पहले से था तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा 108, हाँ 90 प्लस 18 हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 3a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 108 अपॉन 3, तो a इक्वल टू वैल्यू जो आएगी वो आएगी 33 या और 36 या 36 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी होगी 36 डिग्री, तो a की वैल्यू हो गई। तो यही आपको निकालना था, आपसे पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इफ 10 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और 2a की वैल्यू जो है वो एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम हो, तो एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टेन ए, फोर्थ वाला, इफ टेन ए इक्वल टू कॉट बी देन प्रूव दैट ए प्लस बी इक्वल टू 90। देखिए क्वेश्चन है टेन ए प्लस नहीं टेन ए इक्वल टू टेन टेन ए इक्वल टू कॉट बी टेन ए इक्वल टू कॉट बी टेन ए इक्वल टू कॉट क्वेश्चन आपको गिवन है कि टेन ए इक्वल टू है कॉट बी, ये आपको गिवन है। इफ टेन ए इक्वल टू कॉट बी फोर्थ क्वेश्चन है 8.3 का, इफ टेन ए इक्वल टू कॉट बी, तो आपको प्रूव करना है कि सो दैट ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। टेन ए इक्वल टू कॉट बी है, तो देखिए हम जानते हैं इसको हम टेन ए को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, मतलब कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू, ये कॉट बी चल रहा है ऑलरेडी, है ना, हमने किसी एक वैल्यू को चेंज कर दिया, अभी मैंने बताया था कि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी tan a को लिख दिया cot 90 माइनस a, क्योंकि cot 90 माइनस a इक्वल टू क्या होगा tan a होगा, और cot से cot यहाँ पे वैल्यू कैंसिल हो गई, तो 90 माइनस a इक्वल टू बचा है b, a को ट्रांसपोज कर दीजिए तो 90 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b, यही आपसे पूछ रहा था कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, यही आपसे प्रूव करना था a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, किसी एक वैल्यू को चेंज कर दीजिए, या तो इसको चेंज कर दीजिए, इसको 90 माइनस थीटा के टर्म में लिख दीजिए, तो दूसरा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sec 4a इक्वल टू cos a माइनस 20 डिग्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है sec 4a इक्वल टू cos a माइनस 20 डिग्री, ये क्वेश्चन है फिफ्थ 8.3 का, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि इफ sec 4a इक्वल टू cos a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो अपन को a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए a की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, किसी एक वैल्यू को चेंज कर दीजिए, LHS से RHS में किसी एक वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए, तो मैंने इसको लिख दिया sec 4a को लिख दिया मैंने cos a 90 माइनस 4a, क्योंकि cos a 90 माइनस थीटा sec थीटा होता, RHS को सेम लिख दिया a माइनस 20, RHS में चेंज नहीं करना, किसी एक वैल्यू को चेंज करो, या तो आप LHS को चेंज कर दीजिए या फिर आप RHS को चेंज कर दीजिए, LHS को चेंज करो या फिर आप RHS को चेंज करिए, देखिए तो cos x से cos x क्या होगा कैंसिल, तो 90 माइनस 4a इक्वल टू हो गया a माइनस 20, a को 4a को वहां ट्रांसपोज कर दीजिए और 20 को यहां भेज दीजिए, तो ये प्लस का हो जाएगा, 20 यहां पे आके प्लस का हो गया और माइनस का 4a RHS में जाके प्लस का हो गया, और a की ऑलरेडी पहले से था, तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो कुछ इस तरह से आएगी कि 110 इक्वल टू 5a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 अपॉन 5, तो a इक्वल टू हो जाएगा कितना 22 डिग्री, तो a की वैल्यू होगी 22 डिग्री, यही आपसे पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू कितनी होगी 22 डिग्री। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन देखे कौन सा है, क्वेश्चन है सिक्स वाला, सिक्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि If A, B and C are interior angles of triangle ABC, then so that the sine B plus C upon 2 equal to cos A by 2. मतलब क्या है कि एक ABC एक ट्रेंगल आपको गिवन है, देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, क्वेश्चन आपको गिवन है कि if A, B and C are interior angle of triangle ABC, so that sine B plus C by 2 equal to cos A by 2. ये हमें सो करना है, देखिए आसान है क्वेश्चन, क्या करना है आप जानते हैं कि ट्रेंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता,
ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। एक एबीसी ट्रायंगल है, एक में इंटीरियर एंगल ए है, इंटीरियर एंगल बी, इंटीरियर एंगल सी। तो तीनों एंगल का सम अपन जानते हैं। देखिए कैसे तीनों एंगल का सम अगर निकालेंगे तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आप लगाएंगे तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें चाहिए कि LHS में B प्लस सी चाहिए, तो B प्लस सी को LHS में ले लेते हैं और बाकी A को आप ट्रांसपोज कर दीजिए RHS में। तो A की वैल्यू वहां जाके हो जाएगी 180 माइनस A, मतलब B प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस A हो गया। ठीक है, अब आपको डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि यहाँ डिवाइड 2 से है एंगल में, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। अब आप 2 से वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। देखिए दोनों बोथ साइड आप 2 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 माइनस a अपॉन 2। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए हमें 2 से डिवाइड करना है, तो हमने 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया तो ये तो वैल्यू हो जाएगी b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 में 2 से डिवाइड करो तो 90 और ये में 2 से डिवाइड करो तो ए बाई 2। फिर हमें देखिए क्या लेना, साइन लेना बोथ साइड, तो हमने साइन ले लिया साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन, इसमें भी ले लीजिए दोनों तरफ लेना है ए बाई 2। और अपन ने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये प्रूव हो गया कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रूव हो गया साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, यहाँ पे कॉस आ जाता है, कॉस की वैल्यू भी आ जाती, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। करना सेम है, उसको सेम करना है, क्वेश्चन सेम रहेगा, सब कुछ सेम करना है। देखिए कैसे करेंगे आप, तो इसमें देखिए क्वेश्चन ये रहेगा कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, सेम करना है वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये हम लोगों ने पढ़ा है। फिर आप क्या करेंगे, b प्लस सी को यहीं रोक लीजिए तो b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 माइनस a अपॉन 2, और 180 में भी 2 से डिवाइड कर लीजिए तो वैल्यू क्या आएगी, देखो वैल्यू हो जाएगी b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। अब आपको दूसरा क्वेश्चन पूछता है, RD का है, तो दूसरे क्वेश्चन में ये पूछता है यहाँ पे साइन की जगह कॉस आ जाता है, कॉस प्रूव करना, तो कॉस ले लीजिए दोनों तरफ, तो आप लेंगे कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए अपॉन 2। और अपन ने पढ़ा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा का, तो वैल्यू हो जाएगी कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन ए अपॉन 2, ये प्रूव हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी ये वाला पूछ लिया जाता, कभी ये दूसरा क्वेश्चन आ जाता, तो इस तरह का क्वेश्चन है। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस साइन 67 कॉस 75। क्वेश्चन है साइन 67, लास्ट क्वेश्चन है साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 0 टू 45 डिग्री, 0 टू 45 डिग्री के बीच में एंगल के फॉर्म में हमें इसको लिखना है। साइन 67 को क्या लिख सकते हैं आप, साइन 67 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा 23, साइन 90 माइनस 23 करोगे, हाँ साइन 90 माइनस 23 करोगे तो 67 ही आ जाएगा। और कॉस 75 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15, 90 में से 15 को माइनस कर दोगे 15 को माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी कितनी कॉस 75। और यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब कॉस 23, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ 15 डिग्री तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर साइन 15 डिग्री, तो क्या हो गया कॉस 23 प्लस साइन 15 डिग्री। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, मतलब इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जरूर आता है सभी तरह के एग्जाम में। तो ये आप लोग काफी अच्छे से कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू।